सीखेंगे कि कैसे इसको प्रिजर्व करना है। तो चलिए आज हम लोग अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिया है गोश्त। गोश्त के अंदर हम लोग 4 से 5 चम्मच नमक डालेंगे। हिलाएंगे अच्छी तरह से और जो है इसको नमक मिक्स। देखें नमक इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। तो ये जो हमारा है ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो अब ये हम लोगों ने एक सुआ लिया है, उसके अंदर हम लोग ये गोश्त है, हम लोग ने गोश्त को पकड़ना है और ऐसे करके अंदर घुसाना है। इस तरह से आप लोगों ने गोश्त को अंदर डालना है। फिर ये गोश्त लेंगे, इसको भी इसी तरह से अंदर डालना है। तो देखें इस तरह से हम लोगों ने इसको जो है अंदर घुसा देना। तो अब हम लोग इसको धूप में 2-3 दिन तक सूखने के लिए रख देंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको धूप में डाल देते हैं। तो देखें जी हम लोग इसको धूप के अंदर सुखाने के लिए ले आए हैं। तो हमने अपने गोश्त को यहाँ पर बांध लिया है। तो अब हम लोग जो है इसको 3 से 4 दिन तक रखेंगे ताकि हम लोग इसको सर्दियों में इस्तेमाल कर सकें। जब ये पूरा सूख जाएगा तब हम लोग इसको सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा।